हेलो एवरीवन, आज हम लोग आरिज वाइटेकर का दूसरा किंगडम जो है किंगडम प्रतिष्ठा उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये किंगडम प्रतिष्ठा एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम है अर्नस्ट हेकल 1866 में उन्होंने दिया था। बेसिकली ये किंगडम कैसा था कि सबसे पहले जब टू किंगडम सिस्टम आया था तो उस टाइम पे कैरलस लिनियस ने सब प्लांट्स को एक तरफ और एनिमल्स को ही अलग करके रखा था, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना कि प्लांट्स थे और ना ही एनिमल्स थे, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग तरह के मतलब कैरेक्टर्स थे उनमें। तो अर्नस्ट हेकल ने क्या किया, जितने भी ऐसे कंफ्यूजिंग कैरेक्टर्स थे उन लोगों का एक अलग किंगडम बनाया था और जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा दिया था। किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स आज देखते हैं। यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक, किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल से उनका बॉडी बना हुआ होता है और ये लोग यूकेरियोटिक है। किंगडम मोनेरा क्या था, किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक था, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है और ये सिर्फ एकमात्र किंगडम है जो यूनिसेलुलर भी है और यूकेरियोटिक भी है। मतलब यूकेरियोटिक मतलब इन लोगों का सेल ऑर्गेनेल्स इन लोगों में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, वेकोल्स, गोल्जी एपराटस, तो बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है ये सब प्रेजेंट है और इनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं मोस्टली एक्वेटिक, ये ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स ज्यादातर एक्वेटिक है, मतलब ये लोग पानी में ज्यादातर रहते हैं। उसके बाद सेलवाल, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, इन लोगों में सेलवाल प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है, सेलवाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट, चलने फिरने के लिए, चलने फिरने के लिए इन लोगों के पास सीलिया, फ्लैजेला या फिर सीडोपोडिया है। अभी देखते हैं सीलिया क्या है। सीलिया ये सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें ऐसे टाइनी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम सीलिया बोलते हैं और ये लोग मूवमेंट में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को, पानी में चलने के लिए ये सीलिया ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं फ्लैजेला, फ्लैजेला भी मूवमेंट के लिए है, लेकिन फ्लैजेला में क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला में ऐसे छोटे टाइनी अपेंडिजेस नहीं है, उन लोगों में ऐसे सिंगल या फिर डबल स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट होता है और वो सीलिया से लंबा भी होता है। तो सीलिया छोटे छोटे टाइनी अपेंडिजेस से बनता है और फ्लैजेला एक या फिर दो ऐसे स्ट्रक्चर से बनता है। उसके बाद आते हैं सीडोपोडिया, सीडोपोडिया का बेस्ट एग्जांपल है एमीबा। एमीबा उन लोगों में ना ही सीलिया और ना ही फ्लैजेला होता है, उनका जो बॉडी होता है, उनका जो बॉडी होता है, बॉडी के कुछ ऑर्गेन्स होते हैं जो एक्सटेंड होते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म सामने आता है, फिर ये छोटा हो जाता है, फिर बाकी पार्ट का ऑर्गेनिज्म भी ऐसे चलता है। तो मतलब ऐसे जैसे बच्चे सबसे पहले चलना सीखते हैं तो कैसे मतलब वो लोग चलते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से मतलब ये रगड़ के चलता है, एमीबा सीडोपोडिया से ऑर्गेनिजम्स रगड़ के चलते हैं। उसके बाद आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और मिक्सोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन लोगों को हम लोग ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक, कुछ ऐसे प्रोटिस्टेंस है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन लोगों से वो अपना खाना लेते हैं। उसके बाद आते हैं मिक्सोट्रॉफिक, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जैसे इग्लिना, वो ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक प्लस हेटरोट्रॉफिक, मतलब ये लोग अगर अच्छा एनवायरमेंट हो, कंडीशंस फेवरेबल हो तो ये लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो तो क्या करते हैं, ये लोग दूसरे के ऊपर अपना खाने के लिए डिपेंड होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं, एग्जाम्पल इग्लिना हो गया। उसके बाद रिप्रोडक्शन, प्रोटिस्टेंट्स सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और असेक्सुअली भी। सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो लोग, सेल फ्यूजन के द्वारा। सेल फ्यूजन मतलब दो सेल, फ्यूजन मतलब एडिशन, दो सेल्स जब एक साथ कंबाइन होंगे
तो जाइगोट फॉर्म करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो उसी को हम लोग सेल फ्यूजन कहते हैं, और यही होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा में। अभी असेक्सुअल में क्या होता है, असेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जब ये डिवाइड होके दो बनता है उसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन मतलब एडिशन था, फ्यूजन मतलब सब्सट्रैक्शन। सॉरी, बायोलॉजी में, बायोलॉजी सिर्फ एक ही ऐसा ब्रांच है जिसमें सब्सट्रैक्शन भी दो ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। फ्यूजन मतलब डिवाइड होना, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके जब दो बनता है उसको हम फ्यूजन बोलते हैं, और फ्यूजन मतलब दो ऑर्गेनिज्म जब कंबाइन होके एक बनाते हैं उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड होके दो बनता है तब हम लोग इसको फ्यूजन बोलते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन मतलब, बाइनरी मतलब दो, एक सेल से दो ऑर्गेनिजम्स बनना उसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। और उसके बाद है मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन मतलब एक सेल से, एक सेल हो गया उससे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, 4, 6, 8 बहुत सारे बन सकते हैं, तो उसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन असेक्सुअल मोड होता है, और सेल फ्यूजन जो होता है मतलब दो सेल मिलके एक बनाना उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा का मानते हैं। तो ये था कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम प्रोटिस्टा का। अभी हम किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा 5 भागों में डिवाइड किया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्रिजोफाइट्स। सबसे पहले क्रिजोफाइट्स, क्रिजोफाइट्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो प्लांट्स के जैसे होते हैं, मतलब ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये अपना खुद का खाना बना सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्रिजोफाइट्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं डिनोफ्लेजेलेट्स, नाम से ही पता चल रहा है, डिनो मतलब दो और फ्लेजेलेट्स मतलब फ्लेजेला, दो फ्लेजेला, मतलब इन लोगों में ऐसे ऑर्गेनिजम्स में दो फ्लेजेला होता है। उसके बाद आते हैं इग्लिनोइड्स, इग्लिनोइड्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट्स के तरह भी मतलब फंक्शन कर सकते हैं और एनिमल्स के तरह भी फंक्शन कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स, ये फंजाई लाइक कैरेक्टर्स ये लोग शो करते हैं, तो स्लाइम मोल्ड्स के कुछ कैरेक्टर्स मतलब फंजाई के जैसे होते हैं, लेकिन ये लोग प्रोटिस्टा में ही आएंगे। उसके बाद आते हैं प्रोटोजोअन्स, प्रोटो मतलब पुराने और जोअन्स मतलब एनिमल्स, तो ये कुछ ऐसे हैं जो पुराने टाइप के एनिमल्स के जैसे मतलब एग्जाम्पल शो करते हैं। तो अभी हम आज क्रिजोफाइट्स को देखते हैं। सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है, तो इनमें ऐसे प्रोटिस्टेंट्स आते हैं जो प्लांट लाइक, प्लांट के जैसा कुछ कैरेक्टर्स कैरी करते हैं, तो इनमें प्रेजेंट है डायटोम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम है डेस्मिड्स, डेस्मिड्स। और क्राइजोफाइट्स नाम में भी हम लोगों को गोल्डन एल्गी का कुछ सिम्टम दिखाई देता है, जैसे क्राइजो का मतलब है गोल्डन और फाइट्स मतलब प्लेन्स, तो ऐसे प्लेन्स जिनका कलर गोल्डन कलर टाइप मतलब कलर का है, तो ऐसे तो इनमें डायटोम्स प्रेजेंट है और गोल्डन एल्गी। दूसरे इनको चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस भी कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस मतलब ये लोग खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं। ये लोग फोटोसिंथेटिक है और ये लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो इसीलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन भी कहा जाता है। ओशंस में सबसे ज्यादा ये लोग पाए जाते हैं, ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, और बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं ओशंस में जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनको खाके वो लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सेल वॉल फॉर्म्स ओवरलैपिंग शेल्स, इनका जो सेल वॉल होता है वो ओवरलैप करता है एक दूसरे से, मतलब ये सपोज ऐसा एक सेलवल है और इसका जो ऊपर का सेलवल होगा वो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा हम लोग का सेलवल मतलब ऐसा और ऐसा, तो ओवरलैप कर रहा है एक सेलवल दूसरे से,
स्ट्रक्चर ऐसा हो, सपोज ये एक सेलवॉल है और ये ऊपर का सेलवॉल ऐसा होगा, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि सेलवॉल फॉर्म्स ओवरलैपिंग सेल्स। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं ईपीथीका, EPITHECA, और नीचे वाला जो सेलवॉल होगा उसको बोलेंगे हाइपोथीका, हाइपोथीका। तो क्राइजोफाइस का सेलवॉल ओवरलैप करता है, एक का नाम और सेलवॉल का ऊपर का पार्ट का नाम है एपिथीका और नीचे का पार्ट का नाम है हाइपोथीका। उसके बाद सेलवॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड आर इनडेस्ट्रक्टिबल, इनका जो सेलवॉल है वो सिलिका से बना हुआ होता है और सिलिका बहुत हार्ड होता है, जिसकी वजह से ये इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब इसको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इनडेस्ट्रक्टिबल कहा जाता है। व्हेन दे डाई लार्ज डिपॉजिट ऑफ सेलवॉल्स फॉर्म डायटोमिशियस अर्थ व्हिच आर यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। मतलब ये जब मर जाते हैं डायटम्स, जब मर जाते हैं तो क्या होता है, ये ओशन के बेड में, मतलब ओशन के बेड मतलब ओशन के सबसे नीचे वाले पार्ट में ये लोग जम के, मतलब मिलियंस ऑफ डायटम्स जब एक साथ मरते हैं तो क्या होता है, इनका जो सेलवॉल में सिलिका होता है वो मतलब डायटोमिशियस अर्थ फॉर्म करता है, और डायटोमिशियस अर्थ बाद में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, तो ये सब कामों में हम लोग उन लोगों को, उनका जो सेलवॉल होता है उसको यूज कर सकते हैं। और ये डायटोमिशियस अर्थ जो बनता है वो मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद बनता है, जब डायटम्स मर जाते हैं तो मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स जब चला जाता है तो उनका सेल वॉल टूट के बिखर के जो मिट्टी के जैसा बनता है उसी को हम लोग डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं।